नया चैप्टर दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. सी सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सी सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है एक्चुअली क्या है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेस जो है, देखो हर एक डिटेल्स देखेंगे हम लोग बाद में नेक्स्ट इन नेक्स्ट पार्ट्स एज वेल, बट नेचुरल रिसोर्सेस जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनको हम इस तरह से यूज करें, इस तरह से सोच समझ कर यूज करें कि दैट दे विल बी यूटिलाइज्ड और फुलफिल्ड आवर नीड्स, हमारी नीड्स फुलफिल करेगा एंड द नेक्स्ट जनरेशन या इन फ्यूचर जो नई जनरेशन आएगी उनको भी हेल्पफुल रहेगा. सो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है आज का सोचो और आने वाले कल का भी सोचना. एक सिंपल सी चीज देखो, एक नॉर्मल सा है वसुदेव कुटुंबकम, मींस ये पूरा अर्थ जो है हमारी फैमिली है, हमको एक फैमिली की तरह ही रहना चाहिए. सो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके अंदर जो ये चैप्टर का, मैं आप लोग को बताऊंगा कि व्हाट एल्स थिंग्स वी आर गोना लर्न अबाउट. तो मेन चीज है हमको नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे. फिर इस चैप्टर के अंदर 5 R principles हैं. देखो मेनली 3 R principles के बारे में डिस्कस होता है क्योंकि बाकी के 2 principles सेम टू सेम रिलेटेड हैं. तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, मेन 3 R principles इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे. देन आप आगे जैसे जैसे जाओगे तो हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट लाइफ, वाटर या फिर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में, पीपल जैसे बिश्नोई कम्युनिटी थी, नॉर्मली चिपको आंदोलन मूवमेंट्स, ये सब मूवमेंट्स नेचुरल रिसोर्सेस के बचाने के लिए किस तरह से ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, किस तरह से उन्होंने अपनी जान दे दी, उसके बारे में डिस्कशन देखेंगे. फिर आगे अगर हम लोग देखें सस्टेनेबल मैनेजमेंट में, तो हम लोग को देखना होगा जो हम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, डीजल पेट्रोल एंड ऑल, वो कितने क्वांटिटी में है. अगर जनरल कंसेप्ट में बताऊं तो कोल जो है मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट 200 years तक चलेगा और पेट्रोलियम मैक्स टू मैक्स 40 years. सो अगर इतना जल्दी हम लोग इस तरह से यूज करते रहे तो वो उससे जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या. सो हमको प्रिसाइसली मैनेज करना चाहिए रिसोर्सेस को, किस तरह से यूज करना एंड ऑल. और खास चीज कोशिश करना चाहिए हमें, देखो हम यू आर द फ्यूचर और हम लोग नया सोच सकते हैं, आप लोग नया सोचो कि किस तरह से अल्टरनेट सोर्स ढूंढा जाए. देखो बीइंग अ स्ट्रांग, बीइंग एट यंग एज, लिफ्ट यूज करने की जगह आप स्टेयरकेस यूज करो, स्विच लाइट्स अगर काम नहीं है तो लाइट्स को ऑफ कर दो. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सारी एनर्जी सेव कर सकती है. सी इट विल हेल्प यू एज वेल, देखो आपका बॉडी मेंटेन रहेगा प्लस जो कॉस्ट पैसा जो एक्स्ट्रा लग रहा है एनी फॉर एनर्जी वो आपकी सेव होगी. सो आपको भी हेल्प करनी है, यू शुड इंक्लूड योर पेरेंट्स, आप लोग अपने पेरेंट्स को भी बोलो कि नहीं ये चीज हम यूज कम करेंगे या ये चीज काम की नहीं तो बंद कर दें. सो वो सब चीजें आपको हेल्पफुल रहेगी, आपको भी, वर्ल्ड को भी और एनवायरमेंट को भी. सो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हर एक पार्ट जो भी है हमारा, हर एक चीज, हर एक टॉपिक जो बताएंगे उसका हर एक डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में है. चैप्टर नंबर 16 की पूरी गाइडलाइन, पूरी डिटेल्स, पूरा कंसेप्ट आपको उसके नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा. सो गो थ्रू दैट वीडियोस और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो हम लोग तो है ही है साथ में, डिजिटल मैथ्स है, कमेंट कीजिए, हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा. और मेन बात, मैं तो हमेशा हूं, कभी भी कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एज वेल. और याद रखें एक ही चीज है, जस्ट आस्क द डाउट गेट द सॉल्यूशन, ये डिजिटल मैथ्स का मोटो है. तो हमेशा, और ये जैसे मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन वीडियोस लेके आ रहा हूं, प्लीज गिव मी द सजेशंस कि किस तरह से आपको पता चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो भी है कोई भी कॉन्सेप्ट्स कोई भी वीडियोस में दे रहा हूं उसमें आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ, देन वी कैन इवेल्युएट दैट थिंग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस कर सकते हैं कोई भी चीज है. सो दैट इट मस्ट हेल्प यू, आपको मदद मिलनी चाहिए और कुछ नहीं. सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज फॉलो अस, बी विद अस एंड लेट अदर्स लर्न, दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो भी सीख सके. और एक चीज है, हमारा काम होना चाहिए शेयरिंग, बिकॉज हम लोग शेयर करते हैं तो हम केयर कर रहे हैं. सो खुद भी सीखे, दूसरों को भी सिखाएं. सो थैंक यू वेरी मच.